हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। एक्सेल की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हमारा आज का टॉपिक है मैथ्स के कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, एम राउंड, इंटीजर, ट्रंक और स्क्वायर रूट। आइए देखिए क्या करता है। ये सब फॉर्मूले क्या काम करते हैं? पहला क्या है, राउंड। देखिए दोस्तों, ये फंक्शन किसी डेसिमल नंबर को राउंड करने में मदद करता है, ठीक है। आइए देखिए ये कैसे काम करता है। फॉर्मूला एक्टिवेट करने के लिए इज इक्वल टू राउंड, इसके बाद टैब, ठीक है। फॉर्मूला अब क्या पूछ रहा है, नंबर। नंबर हमारा कहाँ है, ए सिक्स में। आपको ये फॉर्मूला लग रहा होगा ए सिक्स में, पर ये है नहीं, ठीक है। नंबर हमारा ए सिक्स में है। आप लोग चाहें तो ए सिक्स लिख सकते हैं या सेल सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉमा। अब पूछ रहा है नंबर डिजिट। नंबर डिजिट का क्या मतलब है कि आपको डेसिमल के बाद कितने नंबर चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा वन, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, ठीक है। इसको पूरा फॉर्मूला ड्रैग कर देते हैं। अब देखिए क्या आ गया आंसर, हमारा वैल्यू क्या थी, 65.56। अब राउंड करने के बाद क्या आ गई, 65.6, ठीक है। क्यों? क्योंकि 5, 6 जो डेसिमल के बाद है ना, वो 6 जो है आखिरी डिजिट, वो 5 से बड़ा है, इसलिए 5 को उसने राउंड ऑफ करके 6 कर दिया। नेक्स्ट देखिए 66.96, तो जो 6 है ये 5 से बड़ा है, तो इसलिए 9 को जब राउंड ऑफ किया तो 9 क्या हो गया, 10 में आ गया। तो 66 जो था ये राउंड ऑफ हो गया, ये क्या हो गया, 67। इसी तरह आप नीचे देखिए सब नंबर आपके राउंड ऑफ हो गए हैं, ठीक है। ये 1, 2 है, तो 2 क्या है, 5 से कम है, तो ये 1 है। 8, 5, 5 से बराबर है या बड़ा होगा तो 9 कर देगा, 8, 7, 9। 2, 3, 5 से कम है तो 2, ठीक है दोस्तों। आइए देखिए राउंड अप क्या काम करता है। इज इक्वल टू राउंड अप टैब, ये भी वही है, नंबर पूछेगा हम ए सिक्स ले लेंगे, कॉमा पूछे, इसका भी वही है नंबर डिजिट। नंबर डिजिट हमने कहा 1 और ब्रैकेट बंद और इंटर, ठीक है दोस्तों। इसको भी हम ड्रैग कर लेते हैं। अब देखिए राउंड अप और राउंड के आंसर में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि राउंड अप हमारा क्या करता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये फंक्शन किसी डेसिमल नंबर को अपवर्ड राउंड कर देता है। अपवर्ड मतलब अगर 65 है तो 66 हो जाएगा, ठीक है। 67 है तो 68 हो जाएगा, ठीक है। किसी डेसिमल नंबर को अपवर्ड राउंड कर देता है उसके नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर के पास। आइए देखिए, जैसे ये था 78.12, ठीक है। तो राउंड में क्या हो गया था, 78.1, पर राउंड अप में क्या हो गया, इसको इसने अप कर दिया। और हमने वन डिजिट डेसिमल कहा था, तो जो वन है इसको क्या कर दिया यहाँ पे, टू, मतलब अपवर्ड राउंड कर दिया, ठीक है दोस्तों। समझ में आया होगा आप लोगों को। आइए देखते हैं राउंड डाउन क्या करता है। राउंड डाउन क्या करता है दोस्तों, ये नाम से आप लोगों को क्लियर होगा, ये डेसिमल के बाद की डिजिट क्या करता है, राउंड डाउन कर देता है नेक्स्ट लोएस्ट नंबर की तरफ, ठीक है। आइए देखिए इज इक्वल टू राउंड डाउन टैब, नंबर वही है हमारा, कॉमा और वन, ब्रैकेट बंद और इंटर। अब देखिए दोस्तों, जैसे 65.56 है तो 65.6 हो गया, 65.6 हो गया, पर इसने क्या किया, 5 के बाद भले डिजिट 6 था पर इसको राउंड डाउन करना था, तो इसने क्या किया, 5 के बाद डिजिट 6 था पर इसने क्या किया, 5 ही रखा, ठीक है। तो क्या किया, राउंड डाउन कर दिया। इस फॉर्मूले को भी ड्रैग कर लेते हैं। अब देखिए सभी फॉर्मूले ड्रैग हो गए यहाँ पे। अब इसने देखिए कोई चेंजेस ज्यादा नहीं किए हैं, 66.96 था, इसमें 9 ही रखा है, 6 को हटा दिया, इसको अपवर्ड नहीं किया, 67 नहीं किया, इसने क्या किया, 66.9, 59.5, 59.5 एज इट इज आ जाएगा तीनों में, 45.23 तो 45.2,
22.87, 22.8, तो मतलब ये क्या कर रहा है, चाहे डेसिमल के बाद 5 से ज़्यादा डिजिट हो चाहे 5 से कम, वो क्या करेगा उसको राउंड डाउन कर देगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं एम राउंड क्या करता है। दोस्तों एम राउंड फंक्शन किसी भी डेसिमल नंबर को अप या डाउन, हमने क्या कहा अप मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक है, राउंड करता है उसके दिए गए मल्टीपल के आधार पे। ठीक है आइए देखिए ये कैसे काम करता है। जैसा हमने बताया था आप लोगों को कि पूरा सेलेक्ट करके भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एम राउंड टैब, ठीक है, नंबर पूछेगा, नंबर हमारा A6 पे है और कॉमा। अब ये पूछ रहा है कि आपको किस मल्टीपल में नंबर चाहिए, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, जो जिसमें भी चाहिए, हमने कहा 5 में। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर हम लोग पूरा सेलेक्ट करके फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल इंटर, ठीक है, कंट्रोल इंटर, आंसर आ गया। देखिए अब जितने भी आपके आंसर आए हैं ये सब किस में आए हैं, 5 के मल्टीपल में। देखिए 12.12 था तो 12 10 के पास आएगा, जो 10 कर दिया, 78.12 इसको 80 कर दिया, 45 को 45 एट डिजिट, 22 को 25, 45 को 45, 59 को 60, 66 को 65 और 65 को 65, ठीक है। तो एम राउंड क्या करता है दोस्तों, आपका किसी भी डेसिमल नंबर को अपवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक है, वो जिस अपने मल्टीपल के पास रहेगा उस हिसाब से उसको अपवर्ड या डाउनवर्ड राउंड कर देगा, ठीक है, दिए गए मल्टीपल के आधार पर। ठीक है आइए देखिए इंटीजर क्या काम करता है दोस्तों। इंटीजर दोस्तों ये क्या करता है, सेम वही काम करता है जो आपका राउंड डाउन काम करता है। कौन सा फंक्शन, जो आपका ये फंक्शन राउंड डाउन काम करता है, ये वाला फंक्शन, वही कौन काम करता है, इंटीजर, ठीक है, तो दोनों में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें सिर्फ नंबर देना है, इसका एक ही आर्गुमेंट है और ब्रैकेट बंद और इंटर, ठीक है। देखिए इसने सब डिजिट को क्या किया है, डेसिमल इसमें आएगा नहीं क्योंकि इंटीजर में डेसिमल नहीं आता है, वो पूरा होल नंबर रहता है, ठीक है, पर इसने क्या किया है सबको एट इटीज लिख दिया है जो डेसिमल के पहले है, 65, 66, 59, 45, 22, 45, ठीक है दोस्तों। ठीक है आइए देखिए ट्रंक क्या काम करता है, हमारा ये आखिरी है इसमें का फॉर्मूला, आइए देखिए ट्रंक क्या काम करता है दोस्तों। ये फंक्शन किसी भी डेसिमल नंबर को, डेसिमल के बाद आपको कितना डिजिट चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, डेसिमल के बाद आपको कितना डिजिट चाहिए वो आप इसमें निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है, बाकी सब में भी कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं। आइए देखिए इज इक्वल टू ट्रंक टैब, ठीक है, नंबर हमने ये दे दिया, कॉमा, नंबर डिजिट हम 1 ही रख देंगे और ब्रैकेट बंद, हमने पूरा सेलेक्ट किया है तो कंट्रोल इंटर, ठीक है। देखिए आपका आंसर क्या आ गया, जो आपके पहले डिजिट में वॉल्यूम है, तो पहले सेल में आपके वैल्यू दी है, वही क्या हुई है आंसर आ गई है, हमने 1 डिजिट पे डेसिमल कहा था तो 1 डिजिट पे डेसिमल आ गया है, ठीक है। ठीक है दोस्तों आइए देखते हैं, ये एक फॉर्मूला है SQRT, ये क्या करता है आपका स्क्वायर रूट बताता है, जैसे ये सब नंबर जो लिखे हैं ये किसके स्क्वायर रूट हैं वो आंसर आ जाएगा, ठीक है आइए देखते हैं, इज इक्वल टू SQRT टैब, इसका आर्गुमेंट क्या है, नंबर, हमने नंबर दे दिया, ब्रैकेट बंद किया और कंट्रोल इंटर। देखिए 144 12 का स्क्वायर रूट, 121 11 का स्क्वायर रूट, 1296 36 का, 2025 45 का, 9604 98 का, 15625 125 का, तो ऐसे जो जो नंबर, ये सब नंबर किसके स्क्वायर रूट है वो आपका SQRT फॉर्मूले से आता है आंसर, ठीक है दोस्तों। आपको अगर फॉर्मूले देखने हैं अपने तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल और टिल्ट, देखिए जितना भी फॉर्मूला लगा है इस पूरे शीट में वो आ गया, राउंड का, राउंड अप का, राउंड डाउन का, एम राउंड का, इंटीजर का, ट्रंक का, और थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो किसका, SQRT का, ठीक है दोस्तों।
वापस से आंसर पे जाने के लिए कंट्रोल टिल्ट कर देंगे, ठीक है। और आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, उस पर भी आप क्वेरी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।